अंत हमारे पास जो है यहाँ पर एक कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ जो है वो मौजूद है और नीचे कुछ क्वेश्चन जो है वो मौजूद है। सबसे पहले आपको जो है वो पैराग्राफ जो है वो पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको तमाम तमाम सवाल के जवाब देने हैं। हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस। आप तमाम के तमाम आजकल जो है वाकिफ होंगे इस कोरोना के जो है वायरस से। कोरोना वायरस नेशन अराउंड द वर्ल्ड आर बैटलिंग विद अ मेजर आउटब्रेक ऑफ अ न्यू डेडली वायरस। यहाँ से आखिर तक नीचे सवाल आते हैं, विच कंट्री डिड द वायरस कम फ्रॉम। पहला सवाल है कि ये वायरस कौन से मुल्क से जो आया हुआ आया। आप सेकंड लाइन में जो है वो जाएंगे, कोरोना वायरस स्टार्टेड इन चाइनीज सिटी ऑफ वुहान। कहाँ से आया बताइए, वुहान से आया है। तो आप यहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं वुहान। और ऊपर में जो है वो जवाब जो है वो दिया हुआ है, द कोरोना वायरस विच स्टार्टेड इन चाइनीज सिटी ऑफ वुहान, यानी उनका नाम क्या होगा, चाइना। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, ऑन व्हाट डे डिड द वायरस स्टार्ट। वायरस किस रोज जो है वो शुरू हुआ। तो आगे जो है लिखा हुआ है 22 जनवरी 2020। कब शुरू हुआ है, 2020। तो यहाँ पर आप जो है वो डेट जो है लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, नेम टू कंट्रीज अफेक्टेड बाय द वायरस। यहाँ पर देखिए बेटा, चार ममालिक के नाम जो है वो लिखे हुए हैं, उसमें चाइना भी है, अमेरिका भी है, यूके भी है, इटली भी है। कोई से भी दो नाम लिखते हैं, इटली लिखते हैं, चाइना लिखते हैं। इन द सेम वे इस पैराग्राफ की मदद से तमाम तमाम सवाल के जवाब आप दे दें। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन यू कैन कॉल ऑन द स्कूल नंबर। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7, हियर इज अ टॉपिक अबाउट एन एसे कराची। इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं उनकी जो है मदद से आप कराची है, कराची की पॉपुलेशन क्या है, लोग जो है वो कैसे हैं, हॉस्पिटल जो है वो कैसे हैं, यूनिवर्सिटी जो है वो कैसी हैं, शॉपिंग सेंटर्स, वन बाय वन इनके ऊपर आपको जो है वो पॉइंट जो है लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, कराची इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान एंड इज कंसिस्ट अपॉन 2 or 3 crore population. The people of this city is civilized people. Yes, second point ho gaya. There are big hospitals like Jinnah, Indus and so on. Isi tarike se aapko tamam tamam jitne bhi points hai unke upar jo hai wo likhna hai. Isi tarike se health belt tandrusti haran ne pade usko bhi aapko bilkul isi tarike se points mein jo hai wo likhna hai. आप कंप्यूटर यानी इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, घर में किसी भी से भी आप जो है वो पूछ सकते हैं। तो आप किसी भी चीज़ से सपोर्ट जो है वो ले सकते हैं। हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव राइटिंग को सिखाना है। इसके अलावा एप्लीकेशन आपको जो है लिखनी है एक्सपो सेंटर साइंस एग्जीबिशन के लिए, और लेटर लिखना है शॉर्टेज सप्लाई ऑफ वाटर इन आर एरिया स्पेशली अल्लाह टाउन। थैंक यू वेरी मच। क्लास 7 फर्स्ट वर्कशीट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास स्टेटमेंट एक दिया हुआ है, इसमें आपको कहा ए की वैल्यू 2, बी इक्वल्स टू 3 एंड सी इक्वल्स टू 5। तो आपने वैल्यू पुट अप करनी है इन प्लेस ऑफ ए 2, इन प्लेस ऑफ बी 3 एंड इन प्लेस ऑफ सी 5। 2 2s are 4, 3 3s are 9 एंड 5 4s are 20। सो 20 plus 9 29, 29 plus 4 33 आंसर। इसी वर्कशीट में सेकंड इसका जो क्वेश्चन है वो है एक्सपेंडिंग। एक्सपेंड हमने करना है ब्रैकेट्स को, मल्टीप्लाई होगा 2 into 8 2 into 4 into 8 आंसर। सेमेस्टर ये वर्कशीट है जिसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 5 2s are 10x, 5 3s are 15, 3 2s are 6x, 3 7s are 21। अब हमें सेम डिजिट साथ रखना है, 10x plus 6x, देन 15 plus 21, 10 और ये सेम है 10 plus 6 16x, दोनों सेम है plus 21, ये कितना हो जाएगा 36। ये इसका आंसर फर्स्ट वर्कशीट। सेकंड वर्कशीट है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 5000,
5000 जो है वो प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल 5000 इन प्लेस ऑफ रेट, रेट है 10%, 10% टाइम है 5 years, 5 year डिवाइड बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट 20 कट 5 10 50, 5 5 5 5 5 25 1 2 20, ये हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। सेकंड और मालूम करना है अमाउंट, अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल कितना था 5000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2500, सो अमाउंट इक्वल टू 7500, ये हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल एंड अमाउंट। थर्ड वर्कशीट है, थर्ड वर्कशीट में हमें डिफरेंट एक्सप्रेशन दें और हमें वैल्यू ठीक है हमें फाइंड आउट करना है। इन प्लेस ऑफ एस वी हैव टू पुट -3 एंड रिमेनिंग विल सेम -3 प्लस माइनस -7 डिवाइड बाय -1 माइनस माइनस प्लस -3 -7 -10 -1 माइनस कट विद माइनस इज 10 आंसर। लास्ट क्वेश्चन है ग्राफ, ग्राफ को पहले आपको समझना है कि पूरा स्टेटमेंट आपके पास कंप्लीट पूरा बना हुआ है ग्राफ, इस ग्राफ में तमाम वैल्यूज यहां पे दी हुई है, हमें इनके आंसर्स देने हैं। सर फर्स्ट हाउ मेनी पेट्स वर सोल्ड इन जुलाई एंड अप्रैल, जुलाई और अप्रैल में कितने पेट्स सोल्ड हुए, तो अगर हम सबसे पहले देखें जुलाई, ये जुलाई, जुलाई में कितना है 3 एंड इन अप्रैल 7, 3 एंड 7 10, फर्स्ट आंसर क्या आ जाएगा 10। सेकंड है हाउ मेनी मोर पेट्स वर सोल्ड इन जून एंड मार्च, हम जून में देखेंगे कितने हैं और मार्च में कितने होंगे, दोनों को क्या कर देंगे माइनस। इस तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस के जो है आंसर फाइंड आउट करेंगे।